हेलो फ्रेंड्स, प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल जैसा थंबनेल बनाए अपने मोबाइल से। चलिए सीख लेते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर आएँ। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आपको जाना है एक एप्लीकेशन पे जो कि बहुत आसानी से प्ले स्टोर पर मिलेगा, नाम है पिक्सआर्ट। पिक्सआर्ट ओपन कीजिए। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट एडिटिंग पर क्लिक करके एक पीछे का बैकग्राउंड ले लेना है। जिस बैकग्राउंड पर आप पिक्चर को ड्रॉ करना चाहते हैं वो बैकग्राउंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं भी अपने डाउनलोड फोल्डर में जाकर एक बैकग्राउंड यहाँ से चूज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिसेंट पे देख रहे थे, तो डाउनलोड पे आके यहाँ पर हम एक बैकग्राउंड लेते हैं। बैकग्राउंड हम कोई भी ले सकते हैं, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, और अभी हम देख रहे हैं कौन सा लें, कौन सा मतलब हमारे बैनर के लिए अच्छा होगा, हमारे थंबनेल के लिए अच्छा होगा। तो थंबनेल हमें बनाना है अनिरुद्धाचार्य जी जैसा, तो हम ये वाला बैकग्राउंड उठा लेते हैं। कौन सा नीचे तो कोई वैसा समझ नहीं आ रहा, तो खासकर क्रीम कलर पे तो नहीं चाहिए। और एक बैकग्राउंड कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे हम चूज़ कर रहे हैं वैसे आप भी अपने हिसाब से कोई भी बैकग्राउंड, मेरे हिसाब से ये वाला सही है। तो ये वाला सिलेक्ट करके इसको 16:9 पर इसकी साइज करेंगे। और अब हमें क्या करना है, हमें जाना है अपने गैलरी पे, और सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कोई एक तस्वीर आपको यहाँ से लेनी है। मान लीजिए मैंने ये वाली सेलेक्ट की और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद आप इसको, ये स्क्रीनशॉट है जो कि मैंने फेसबुक से उठाया है, तो आप यहाँ से इसको आसानी से क्रॉप करके आराम से यहाँ पे चिपका सकते हैं। अब हमें इसको इरेज करना है जिसमें सिर्फ महाराज जी की तस्वीर आए। महाराज जी की तस्वीर के लिए आप डायरेक्टली इस इरेज पर क्लिक करके यहाँ पे जाके पर्सन पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड ऑटोमेटिक हट जाएगा। ये पिक्सआर्ट का बहुत ज़बरदस्त फीचर है। लेकिन अभी हमें इसमें कुछ और भी चीज़ें हटानी है, जिससे महाराज जी सिर्फ आएँ, उनका सिंहासन पीछे का ना आए, उनकी जो व्यासपीठ है वो पीछे का ना आए। तो उसके लिए हम इरेज पे क्लिक करते हैं और फटाफट इरेज करते हैं अपनी महाराज जी के पीछे वाले जो सिंहासन लगा है, सिंहासन टाइप का जो है उसको हम इरेज करते हैं, ताकि सिर्फ महाराज जी की जो है बॉडी दिखे उसमें, और ताकि थंबनेल अच्छे से अच्छा बन सके। तो इसके लिए हम फटाफट इसको इरेज कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कितनी आसानी से पिक्सआर्ट में चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं। कई लोग शिकायत करते हैं कि पिक्सआर्ट में ये फीचर नहीं है, वो फीचर नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से पिक्सआर्ट और पिक्सल लैब मोबाइल फ़ोटो एडिटिंग के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है, क्योंकि मैं 10 साल से इन दोनों को यूज कर रहा हूँ। और उसी बिहाव पे आपको बता रहा हूँ कि आप भी इन दोनों एप्लीकेशंस का, देखिए क्या है कि हलवाई का अच्छा होना, हलवाई किस प्रकार से मसालों का यूज़ करता है वो डिपेंड करता है, तभी खाना अच्छा बनता है। मसाला आप कितना भी महंगा दे दीजिए, अगर हलवाई को बनाना ही ना आता हो तब फिर वो क्या ही बना पाएगा। तो इसीलिए पिक्सआर्ट और पिक्सल लैब दोनों मोबाइल के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है। आप इन फीचर्स का इस्तेमाल करना एक बार सीख जाएंगे तो आप अच्छे से अच्छी एडिटिंग इन्हीं दोनों एप्लीकेशन से कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे बाल के पास भी एडिट कर लिया है। इरेज करने के बाद कुछ नहीं करना है, बस सिंपली अब देखिए महाराज जी की फ़ोटो बन चुकी है, और ये देखिए परफेक्ट फ़ोटो बन चुकी है। अब इसको यहाँ पे साइड में, लेफ्ट साइड में यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि हमें टेक्स्ट भी लिखना है, तो उसी हिसाब से हम लेफ्ट साइड में महाराज जी को खिसकाएंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमें अब पीछे महाराज जी के पीछे, सर के पीछे एक शक्ति टाइप में निकालना है। तो उसके लिए हम वो जो ढूंढ रहे हैं वो तो शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डाउनलोड में मिलेगा, और उसका कलर जो है, हमें कलर जो हमारे पास है वो कलर हमें नहीं चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक बैकग्राउंड पीछे का ले सकते हैं, क्योंकि ये बैकग्राउंड थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो हम दूसरा बैकग्राउंड लेते हैं। और दूसरा बैकग्राउंड लेने के बाद हम यहाँ पे जो है इसको सेलेक्ट करके लेंस फायर पे क्लिक करते हैं। लेंस फायर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, और दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे लेंस फायर का उपयोग करने के लिए आपको वाईफाई का नेट चलाना होगा। तो यहाँ पे हम ये येलो वाला ले लेते हैं, ताकि ये पीछे महाराज जी के अच्छा लगेगा। और हमने बैकग्राउंड इसलिए चेंज किया ताकि इस पर उभर कर चीज़ें आएँ, उस बैकग्राउंड पे थोड़ा कम समझ में आ रहा था, टेक्स्ट भी उतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए रेड हमने चूज़ कर लिया। महाराज जी के पीछे करके इसको मूव बैक कर देते हैं, तो देखिए पीछे कितना अच्छा लग रहा है महाराज जी के, छोटा सा रखेंगे ताकि लगे कि जैसे आप देखते हैं भगवान के तस्वीरों में भी ये शक्ति निकलती रहती है पीछे, थोड़ा सा फेडिंग टाइप में है। बैकग्राउंड इसे ले लिया क्योंकि पीछे वाला बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, आप देख सकते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमारी फ़ोटो रेडी है। हाँ, हमें एक चीज़ और करना है, एक चीज़ हमें यहाँ पे लगाना है, ये हमने फ़ोटो नेट से डाउनलोड की है, आप देख सकते हैं। इस फ़ोटो को हम इरेज करेंगे ताकि ये अच्छा लगे थोड़ा, ये सफलता वाली फ़ोटो है, सक्सेस वाली, तो इसको हम इरेज कर सकते हैं आसानी से। इरेज कर लेते हैं, और इरेज करने के बाद हम इसको थोड़ा सा ओपेसिटी इसकी कम भी करेंगे, अभी बस इतना रखते हैं, और
इतना करने के बाद अब हम इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करेंगे, ये देखें, ताकि ये बहुत हल्का सा दिखे, फुल विजिबिलिटी इस किनारे। इसको हम ब्लेंड भी कर सकते हैं, ब्लेंड करने के लिए आप यहाँ पे फीचर है उसका, फीचर ये देखिए, ब्लेंड, लाइट, डार्केन, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। तो जो भी आपके हिसाब से सही लगे, थंबनेल में जो भी अच्छा लगे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम यही वाला रखते हैं, जिसको हम थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। और बड़ा रखने के बाद अब हमारा फ़ोटो लगभग लगभग रेडी है। मूव बैक ही रखते हैं इसको, ताकि शक्ति के पीछे ही रहे, वो जो हमने फेडिंग लगाई है उसके पीछे ही रहे, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, क्रिएटिव माइंड का यही होता है कि आप किसको रिप्रेजेंटेशन कितना अच्छा करते हैं, आप कितना अच्छा सोच पाते हैं, क्रिएटिव माइंड उसे ही कहते हैं। अब हम इस फ़ोटो को सेव करके चलते हैं अपने पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब में जाने के बाद बस अब हमें अपना टेक्स्ट लगाना है, लास्ट स्टेप है जो इस थंबनेल मेकिंग का। और यहाँ पे जाके आप आसानी से टेक्स्ट लगा सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सफलता, जैसे सफलता से रिलेटेड थंबनेल है तो सफलता हम लिखते हैं। और हम फॉन्ट यूज़ करेंगे खंड वाला, खंड बोल्ड करके एक फॉन्ट है, उस फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे खंड, ये देखिए, सफलता छोटा ही रखते हैं ताकि वो आदमी भी दिखे जो पीछे हमने लगाया है, सफलता। और इसको कलर रखते हैं येलो या फिर क्रीम रख सकते हैं, शेडो भी थोड़ा सा रखते हैं, शेडो ऐसा थोड़ा सा ही शेडो रखते हैं, ओपेसिटी कम कर देंगे, शेडो थोड़ा सा रखते हैं। और शेडो रखने के बाद अब हम इसका कलर क्रीम करते हैं, क्रीम कलर का फॉन्ट अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और टेक्स्ट लिखते हैं, और टेक्स्ट लिखेंगे जैसे सफलता चाहने वाले लोग ये चीज़ ज़रूर सुने, ऐसा कुछ। तो आप देखते रहिए हम क्या लिख रहे हैं, सफलता की चाह रखने वाले लोग महाराज जी की बात जरूर सुने करके कुछ लिख सकते हैं। तो अभी हम फटाफट यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हैं, और टेक्स्ट लिख सकते हैं कि चाह रखने वाले लोग ये काम करने से बचें। इस फॉन्ट को हम वाइड रखते हैं और इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इसकी लाइनिंग भी थोड़ा, लाइन गैप जो है इसको कम करेंगे। पिक्सल लैब में भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आप किसी भी फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ीचर्स को इस्तेमाल करना आना चाहिए कि कहाँ पे किस फीचर का उपयोग करना है। तो आप देखिए, लाइनिंग हमने कम कर दी, इसका कलर चेंज कर दिया, तो कलर जो है कीचा रखने वाले, हाँ सही है। अब हम यहाँ पे रखते हैं, हम यहाँ पे एक चीज़ और लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे कि नहीं देखने वाले पछताएंगे, ऐसा कुछ। अब अगर आपने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के यूट्यूब चैनल को देखा होगा तो ऐसे थंबनेल वहाँ पे बने होते हैं, देखिए, नहीं देखा तो पछताओगे। अब हम इसमें एक टेक्स्ट बैकग्राउंड रखते हैं, टेक्स्ट बैकग्राउंड हम ब्लैक कलर रखते हैं और इसको येलो करते हैं, इसको रेडियस करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का जो रेडियस है वो सेट करते हैं। उसके बाद फिर जो है इसका कलर, बस हमारा थंबनेल रेडी है। आप इसको आसानी से सेव कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही तरह तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब मारें, दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। मोबाइल से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ये चीज़ ये चैनल आपको सिखाए।